शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलवार को संत रविदास सभागृह, सोमवार रिकॉर्डर बुधवार बाजार में निशुल्क महाशिविर का आयोजन किया गया। अवसर था बीटीपी ग्रुप के संचालक सिराज शेख के जन्मदिन का। इस दौरान शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप और अन्य स्वास्थ्य जांच भी आयोजित की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिराज शेख हर साल अपने जन्मदिन के अवसर को इसी तरह से खास मनाते हैं। वह हर साल इसी तरह से जरूरतमंदों के लिए शिविर का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रत्नाकर मलिक ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। सिराज शेख ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, मन में लगन होनी चाहिए और सफलता की शुरुआत छोटी ही होती है, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। 15 साल के ऊपर हो गया हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं अपना मेरे जन्मदिन पे। इसके पहले भी हमने काफ़ी इवेंट किए हुए और ये हमारा सबसे बड़ा योगदान इसमें प्रशांत बन्ना के और इमरान शेख का है। ये हर साल छोड़ते नहीं भैया, करना है। कि इस बार तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोरोना के चक्कर में, लेकिन भैया बोले हम कर लेंगे, कम लेवल पे करेंगे लेकिन करेंगे। तो बोले इसको परंपरा को तोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोग ने इस साल भी हम लोगों ने हिम्मत करके फिर कर ही लिया है। और उद्देश्य हमारा कोई ऐसा राजनीति नहीं है, हम लोगों का सब है कुछ करना है। भगवान ने इस दुनिया में लाया है, अगर कुछ अपने को दिया है 2 पैसे तो 2 पैसे खर्चा करना है गरीबों के लिए, ये हमारा उद्देश्य है। और हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम 12 महीने कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, जो पॉसिबल है वो उस देख समझ के हम लोग सभी की मदद करते हैं। महाशिविर में जनरल चेकअप, IEC सामग्री वितरण, आयुष संजीवनी ऐप की जानकारी, निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी, आई चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग आए और कार्यक्रम को लोगों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। इस कार्यक्रम में हेल्थ चेकअप कैंप केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित, आयुष मंत्रालय के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी द्वारा किया गया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। ब्लड डोनेशन के लिए लाइफलाइन ब्लड बैंक ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख अतिथियों ने भी सिराज शेख को जन्मदिन की बधाई दी और उनके सामाजिक काम की सराहना की। साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए हम दोनों भाई। बचपन से उसके अंदर जो जिज्ञासा थी कि हमको आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, वो भी हम भाइयों ने छोटा मोटा भी काम चालू करा, उसको कैसा बड़ा करना है, सब सिराज भाई ये जवाबदारी। सिराज भाई वो भी काम रहे हमारा, चाहे केबल कराओ कोई भी हो, इसको कैसे आगे बढ़ाना, किसी ने अपने साथ कुछ किया है तो उसको नज़रअंदाज कर देना, हमको आगे बढ़ना है, किसी से दुश्मनी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बस हमको आगे बढ़ना है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स आप देख रहे हैं सिराज भाई के जन्मदिन से पिछले 10-15 साल से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं। ये जो शिविर हो रहे हैं हर साल होते हैं और इंशाल्लाह हर साल होते रहेंगे। और जो भी अभी लॉकडाउन के वजह इसमें बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हैं, तो हमसे जितना हुआ हम लोगों ने उनकी मदद की और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सिराज भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और आने वाले अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खरोखर एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। रोगनिदान शिबिर असेल, रक्तदान शिबिर असेल, पूर्ण हेल्थ चेकअपचा कार्यक्रम आज सिराज भाईच्या वाढदिवसानिमित्त घेतलेला आहे। खरोखरच एक समाजाचा प्रति एक सामाजिक कार्य म्हणून काम करणारे असं व्यक्तिमत्व असलेले आमचे सिराज भाई यांना मी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि असंच सत्कर्म त्यांच्या हातून व्हावं अशी प्रभूजनी प्रार्थना करतो। अभी जिस तरह हर साल पापा के जन्मदिन पे जो भी बर्थडे पे ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लड डोनेशन और कोरोना केस में जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, इस साल हर साल भी इस तरह किया जाएगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया है इस चीज़ के और मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उनको हर तरक्की मिले, अल्लाह करे उनको हर तरक्की मिले ज़िंदगी में, उनको बहुत बहुत खूब कामयाबी मिले, बहुत बहुत जन्मदिन की उनको शुभकामनाएँ। कार्यक्रम में विधायक मोहन मते, गिरीश पांडव, कांग्रेस के प्रमुख सचिव रामकिशन ओझा, नगर सेवक सतीश होले, पुलिस निरीक्षक माने, मजहर शेख, दाऊद भाई शेख, प्रकाश ठाकरे, रियाज शेख, अल्ताफ शेख, फैजान शेख,
मुस्ताक भाई शेख प्रमुखता से उपस्थित थे। सिराज शेख हमेशा से ही सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रसर रहे हैं। वह अपने जन्मदिन को इसी तरह से सादगी से और सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए मनाना पसंद करते हैं। इन्हीं तरह के लोगों से जरूरतमंद लोगों में उम्मीद अब भी कायम है। एनबीसीएन की ये थी खास रिपोर्ट।